तो देखिए दोस्तों, ये मैगी बनके तैयार है अच्छी तरह। सारी सामग्री डाली मैंने इसमें अच्छी तरह। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज 4 जून संडे का दिन है, समय शाम का समय है, लगभग 4 बजे हैं। दोस्तों आपने आज की वीडियो में आपको चाट मैगी बना के दिखाने वाला हूँ और उसे टेस्ट करके बताऊँगा आपको। दोस्तों नॉर्मल मैगी तो आपने खाई होंगी, पर इस तरह की मैगी आपने कभी टेस्ट नहीं की होगी। दोस्तों मैं आपको बना के दिखाऊंगा फिर कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामग्री इसमें डालता हूं, और फिर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा है खाने में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप भी देखिएगा कि कैसे बनती है मैगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कैसे तैयार होती है मैगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे छोटी सी और गैस जला लेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा देसी घी ले लेंगे। अब 1 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे इसमें कढ़ाई में। आँच थोड़ा धीमी कर देंगे ताकि जले ना हो। अब दोस्तों मैगी का एक पैकेट ले लेंगे, उसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे इसे। अब दोस्तों मैगी के पैकेट को खोलेंगे हम और इस कढ़ाई में डालेंगे। दोस्तों हमने मैगी को क्रश करके कढ़ाई में डाल दिया है और इसे चलाएंगे थोड़ा धीमी आँच पे। आँच धीमी रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो मैगी जल जाएगी। अब इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे देसी घी में। आँच धीमी रखनी है दोस्तों, याद रखना, नहीं तो जल जाएगी मैगी। दोस्तों ऐसी स्वादिष्ट मैगी चाट आपने कभी नहीं खाई होगी। नॉर्मल मैगी तो सब खाते हैं, पर आपने ये अलग तरह की मैगी नहीं खाई होगी, मैगी चाट, मैगी भेलवी जिसे कहते हैं। दोस्तों ये मैगी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है, अब गैस की आँच बंद कर देंगे। दोस्तों मैगी भुन चुकी है अच्छी तरह, ये हम अलग बर्तन ले लेंगे और भुनी हुई मैगी को उसमें निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैगी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है देसी घी में, तो सुनहरा रंग हो चुका है इसका। अब मैं आपके आगे बताता हूँ आपको इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे मैगी के ऊपर। ओके दोस्तों, और एक बारीक कटा हुआ प्याज पूरा डाल दिया हमने, और एक टमाटर ले लेंगे छोटा और उसमें हरी मिर्च काटी हुई बारीक कटी हुई, इसे भी डाल देंगे इसमें। अब दोस्तों मैगी मसाला का पैकेट डालेंगे इसमें बने हुए मिश्रण के ऊपर अच्छी तरह से, इसे डाल दिया हमने मैगी मसाला इसके ऊपर। अब दोस्तों ये चाट मसाला का पैकेट है, देखिए चाट मसाला है, चाट में बनाने के काम आता है चाट। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे ऊपर से, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। ठीक है दोस्तों, डाल दें हमने चाट मसाला। दोस्तों फ्रिज में से मैंने ये विनेगर यानी सिरका इसकी बोतल निकाल ली, देखिए विनेगर जिसे हम सिरका भी कहते हैं। अब इसे डालेंगे इसके ऊपर, सामग्री के ऊपर, लगभग 1 चम्मच के आसपास, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए थोड़ा और अच्छा है। और एक सोया सॉस है, देखिए आपने चाउमीन वाउमीन में डालते हुए देखा होगा, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको भी लगभग 1 चम्मच के आसपास डालेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ट्राई करके देखिएगा रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी खाने में भी। दोस्तों ऐसी नई चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ मैं, और मांगता भी वहाँ से अपना सपोर्ट, बस आपका सपोर्ट।
थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मसाला बदाम निकाल लेंगे और थोड़ा सा रेड चिली इसमें डालेंगे, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार अगर आपको तीखा पसंद है, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का डालना है जिससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए, और थोड़ा तीखा पसंद है अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये सारी सामग्री हमारी इस हमने डाल दी है, इसमें सारी चीज़ें देसी घी से पहले भुना, इसे फिर अच्छी तरह सारी सामग्री डाली करके प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब, अब दोस्तों और सोया सॉस विनेगर सारे मसाले, अब दोस्तों सारी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ऐसी टेस्टी आपने मैगी कभी नहीं खाई होगी, नॉर्मल तो खाते ही हैं सब, पर आपने ये कभी ना बनाई होगी ना कभी खाई होगी, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारी सामग्री को दोस्तों हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चम्मच से ताकि अच्छी तरह इसमें ऑब्जर्व हो जाए सारी चीज़ें सारे मसाले। दोस्तों अब आपको मैं टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है स्वाद में। तो देखिए दोस्तों, ये मैगी बनके तैयार है अच्छी तरह, सारी सामग्री डाली मैंने इसमें अच्छी तरह। अब आपको इन्हें टेस्ट करके बताता हूँ कि खाने में कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एकदम लाजवाब हो रही है खाने में, स्वादिष्ट ऐसी मैगी आपने ज़िंदगी में अपनी कभी नहीं खाई होगी, मैं दावा करता हूँ। नॉर्मल मैगी से तो 100 गुना ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो दोस्तों जिस तरह मैंने बनाई है अभी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, और जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं किस तरह से बनाई है, इसके आगे आपको नॉर्मल मैगी फीकी लगेगी। फिर सच कह रहा हूँ दोस्तों, लाजवाब हो रही है बिल्कुल स्वाद में। नॉर्मल मैगी का तो स्वाद तो भूल ही जाएंगे इसे खाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अलग तरह की मैगी बनाने की रेसिपी बताई, कैसे बनाते हैं, क्या सामग्री डालते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ये एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा ना आया तब कहना आप। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा नए नए तरह के। आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय।